ब्रह्मापुरी के एक मकान में मंदिर में बनी देवी देवताओं की प्रतिमा के विसर्जन को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। हंगामे की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से समझाइश की गई और मामला शांत करवाया गया। कचहरी रोड स्थित ब्रह्मापुरी निवासी किरण वर्मा पत्नी गोपी किशन वर्मा ने बताया कि उक्त मंदिर उनकी निजी खरीद शुदा जमीन पर बना हुआ है और मंदिर में शिव परिवार की खंडित मूर्तियां बनी थी, लेकिन इसे कोई साफ करने वाला और ना ही कोई पूजा करने वाला था और इसके चलते कई बार हमारे परिवार में भी परेशानी देखने को मिली है, जिसके बाद उन्होंने वह सभी खंडित मूर्तियां विसर्जित कर दी। इस बात से नाराज कॉलोनियों के निवासियों ने हंगामा किया, जबकि वह इसकी हकदारी नहीं है। उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी को वह इस मंदिर को वापस से बनाएंगी और इसमें गणेश प्रतिमा स्थापित करेंगी, जिससे कि घर में सुख शांति रहे और लोग भी आराम से पूजा अर्चना कर सके। लेकिन कॉलोनी में रहने वाले कुछ लोगों को इससे आपत्ति हुई और उन्होंने मूर्तियां खंडित करने की गलत सूचना फैला दी, जिसके साथ उन्होंने फोटो में दिखाए और कहा कि मूर्तियां पहले ही खड़ी थी, जिन्हें यहां से विसर्जित कर गणेश प्रतिमा लगाई जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत करवाया है। सर, ये यहां पे कचहरी रोड ब्रह्मपुरी पे मेरा अपना पर्सनल मकान है, मेरे हस्बैंड का नाम गोपी किशन वर्मा है। तो यहां पे एक छोटा सा शिव मंदिर था जो शांति शर्मा ने बनाया था और पूजा करते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं, लेकिन एक परिवार पूरा ही यहाँ का फिदा है, दीवाना है कि यहाँ के इस मंदिर के पीछे हमको कुछ भी बोल सकता है। बाउंड्री हमारी, मंदिर हमारा, लेकिन राज उसका। फिर भी हम सहन करते हैं कि चलो भगवान की पूजा है, सफाई के नाम से कोई कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उसकी मूर्ति क्या 5-6 साल से खंडित थी और उस खंडित मूर्ति की पूजा हो रही थी और हम लोग बहुत दुखी हो गए थे उसके कारण। तो हमको हर कोई कह रहा था खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होना चाहिए, और जैसे कि मैं न्यूज पर बोल रही हूँ कि अपन भी कहते हैं कि मूर्ति खंडित होती तो विसर्जन कर देना चाहिए। तो आज मैंने वो मूर्ति विसर्जन कर दिए। तो उसके ऊपर मेरे हस्बैंड थे नहीं, मंदिर गए हुए थे सीताराम मंदिर में, और वो आया विष्णु नवाल और अनसन बोलने लगा मुझको कि देख तूने मूर्ति कर दी तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ, खूब धमकियाँ वो मुझे देके गया तू तुकारे से। मैंने पुलिस में कोतवाली में फ़ोन करा है, कोतवाली से पुलिस आई है, उन्होंने देखा कि मेरी अपनी पर्सनल बाउंड्री है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उस बाउंड्री के अंदर, मंदिर रखूँ चाहे नहीं रखूँ। लेकिन मैं भी एक हिंदू धर्म होने के नाते मैं सोचती हूँ कि मंदिर की जगह मंदिर रहे, लेकिन मैं जो इष्ट देवता मेरे होंगे वही मैं मंदिर बनाऊंगी और इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है। और ये लोग परिवार पूरा ऑब्जेक्शन उठा रहे कि यहाँ मंदिर था और वही होगा, तो ऐसा नहीं होगा। किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं जमा सकता। इसके इस कॉलोनी के अंदर 4-4 मकान है, बड़े बड़े मंगले हैं, अगर इसको पूजा करना है तो ये अपनी बाउंड्री में खुद मकान बना सकता है। और धमकी है तो धमकी से मैं नहीं डरती हूँ, इसके पास पैसा है तो मेरे पास भी ईश्वर है, ये हमेशा धमकी देता रहता है।